एक बार फिर से मैंने आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर जिसका नाम है डिलीशियस फूड रेसिपीज। तो दोस्तों आज मैं आप सबके लिए बहुत ही टेस्टी और इजी रेसिपी लेकर आई हूँ और आज की मेरी रेसिपी स्नैक्स की है। आज मैं आप सबको चीजी नाचोस की रेसिपी बताने वाली हूँ जो कि बहुत ही जल्दी और बहुत ही कम समय में बन जाता है। यूँ तो नाचो चिप्स आपने या फिर सॉस या फिर साल्सा के साथ खाया होगा, बट आज मैं इसमें थोड़ा सा बहुत ही टेस्टी और अलग तरीके से इस रेसिपी को बनाना आप सबको बताऊंगी जो कि बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत ही टेस्टी स्नैक्स बनकर के तैयार होता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी आज ये चीजी नाचोस की रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस पर कमेंट जरूर करें। सो फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। तो चलिए अब इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। चीज़ी नाचोज बनाने के लिए हमें चाहिए नाचो चिप्स। यहाँ मैंने नाचो चिप्स को पहले से ही डेकोरेट करके बेकिंग ट्रे में रखा हुआ है। जब भी आप इसे बेक करें तो उसके लिए जो आप बेकिंग ट्रे का यूज कर रहे हैं उसे आप सिल्वर फॉइल से कवर कर दें। उसके बाद आप इसमें चिप्स को इस तरह से डेकोरेट कर दें। इससे जो है चिप्स में बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनता है और चीज़ डालने की वजह से ये चिपकता भी नहीं है। तो आप इसे इस तरह से डेकोरेट कर दें। सब्जियों में हमें चाहिए 2 बड़े चम्मच हरी शिमला मिर्च, 2 बड़े चम्मच चॉप किए एवोकाडो। एवोकाडो की वजह से इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। 2 बड़े चम्मच में चाहिए लाल वाली शिमला मिर्च चॉप करके, 2 बड़े चम्मच में चाहिए टमाटर चॉप करके, 1 स्लाइस की हमें चाहिए अलेपिनो। ये बहुत ही तीखी होती है इसलिए यहाँ मैंने एक ही अलेपिनो का यूज किया हुआ है। चॉप किए हुए हमें चाहिए धनिया पत्ता। नमक हम लेंगे स्वाद के अनुसार। 1/4 चम्मच हमें चाहिए क्रश की हुई काली मिर्च। मिक्स हर्ब चाहिए हमें 1/4 चम्मच। यहाँ पे मैंने प्याज दिया हुआ है 2 बड़े चम्मच चॉप करके, और 1 छोटी बाउल यहाँ पे मैंने लिया हुआ है चीज। यहाँ मैंने 2 तरह की चीज का यूज किया हुआ है। अगर आपको मेरी आज ये नाचो चीजी चिप्स की रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो चीजी नाचो चिप्स बनाने के लिए सबसे पहले हम इस नाचो चिप्स को यहाँ मैंने बेकिंग ट्रे में पहले से ही रखा हुआ है। अब हम इसके ऊपर सारी चीजों को 1 बाय 1 करके ऐड करेंगे। जब तक हम इसको डेकोरेट करेंगे तब तक हम ओवन को गर्म कर लेंगे, प्रीहीट कर लेंगे 180 डिग्री पे। तो 180 डिग्री पे हम ओवन को प्रीहीट कर लेते हैं। तो ओवन को मैंने प्रीहीट करने के लिए रख दिया हुआ है। चलिए अब हम इसे डेकोरेट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड कर देंगे ये इस तरह से शिमला मिर्च। आप अपने मनपसंद के इसमें कोई भी अदर वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं। आप इसमें स्वीट कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा हम ऐड करेंगे इस तरह से टमाटर, इससे इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है और ये शाम के स्नैक्स के लिए सबसे बेस्ट स्नैक्स है। बहुत ही जल्दी बन जाता है, बहुत ही इजी रेसिपी है इस तरह से। हम इसमें ऐड कर देंगे, थोड़ा सा ऐड करेंगे ये ब्लैक पेपर, थोड़ा सा ऐड कर देंगे हम नमक, साथ में हम ऐड कर देंगे ये प्याज इस तरह से, ऐड करेंगे ये मिक्स हर्ब्स। दोस्तों आप इस रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही जल्दी बन जाता है। और थोड़ा सा हम ऐड कर देंगे ये चीज इस तरह से। चारों तरफ से अगर आपको चीज ज्यादा पसंद हो तो आप इसमें ज्यादा ऐड कर सकते हैं चीजों को। तो यहाँ मैं चीज थोड़ा ज्यादा ऐड कर रही हूँ। इसके बाद ऊपर से हम एक लेयर और बना देंगे इन सब का। हाँ देख सकते हैं ये कलरफुल देखने में कितना अच्छा लग रहा है। एवोकाडो भी इस तरह से ऐड कर देंगे, धनिया पत्ता इस तरह से, जालापेनो। ये बहुत तीखा होता है इसलिए यहाँ पे मैंने चिली पाउडर का या फिर चिली फ्लेक्स का यूज नहीं किया है। साथ में हम लास्ट में ऐड कर देंगे ये प्याज, अगेन एक बार और नमक, क्रश की हुई ब्लैक पेपर, मिक्स हर्ब्स और अगेन हम इसका एक और लेयर देंगे इस तरह से चीज का। आइए अब हम इन सबको बेक कर लेते हैं। तो हमें इसे 10 मिनट से ज्यादा बेक नहीं करना है, तो इसे हम
180 डिग्री पे 10 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। तो इसे हम ओवन में डाल देते हैं। 10 मिनट हमारा हो चुका है। चलिए अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा चीजी नाचोस जो है वो पक के तैयार हुआ है कि नहीं हुआ है। बी केयरफुल, क्योंकि जो आपका बेकिंग ट्रे है बहुत ही गर्म रहेगा, तो इसके लिए आप बहुत सावधानी से उसे निकालिएगा। तो लीजिए दोस्तों, हमारा ये 10 मिनट में गर्मा गर्म चीजी नाचोज बन करके तैयार हो गया है। बहुत ही टेस्टी बना हुआ है, आप देख सकते हैं कितना टेम्पटिंग है ये। हमारा चिप्स जो है बहुत ही क्रिस्पी हो चुका है, साइड से आप देख सकते हैं। साथ में जो हमने चीज इसमें ऐड किया था वो सारे मेल्ट हो चुके हैं। सब्जियां भी हमारी जो भी हमने ऐड की थी इसमें वो पक चुकी हैं। तो बेसिकली ये बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। तो आप इस रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा। आशा करता हूँ आप सबको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। आप इसे जब भी सर्व करें तो गर्म गर्म सर्व करें, और आप इसे सालसा के साथ या फिर आप इसे किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। आप इसे टोमेटो सालसा या फिर आप एवोकाडो सालसा के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। एवोकाडो सालसा की रेसिपी मेरे चैनल पर पहले से अवेलेबल है, तो आप उसे भी एक बार जरूर चेक करें। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो आप उसे भी एक बार जरूर चेक करें। तो देखा दोस्तों, कितना कम समय में ये बन करके हमारा ये बहुत ही सुपर टेस्टी शाम का स्नैक्स बन करके तैयार हो गया है। तो आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जल्दी मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इस रेसिपी को एंजॉय करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। बाय।